छोड़ो रुको, जा रहे हो नीचे जा रहे हो? हाँ अच्छा, गुड मॉर्निंग। कुछ टेक्निकल इश्यू था तो जिसके कारण हम 15 मिनट्स डिले हो गए। कोई बात नहीं, नई नई चीज़ें होती रहती है, तो थोड़ा सा बियर विथ इट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की बात की थी, क्या होते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। होपफुली आप सब ने वो पॉइंट्स याद कर लिए होंगे जो मैंने आपको बताए थे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए पॉइंट्स जो बताए थे। और फिर से कहूँगा, रिवर्सिबल प्रोसेस हाइपोथेटिकल है, प्रैक्टिकली कोई भी नहीं कर सकता। तो बहुत सारे कमेंट्स बाद में भी आए थे कि सर ये वाला एग्जांपल रिवर्सिबल होगा या ये वाला एग्जांपल रिवर्सिबल होगा। तो जब मैं बोल चुका हूँ हाइपोथेटिकल, तो कोई भी एग्जांपल नहीं है जो आप कह सको रिवर्सिबल है। ऑन पेपर सोच सक ऑन बोर्ड सोच सकते हो, ऑन पेपर आप सोच सकते हो, प्रैक्टिकली कोई भी एग्जाम्पल आप रिवर्सिबल का नहीं ले सकते हो। चाहे वो अर्थ के इवोल्यूशन से हो या यूनिवर्स के इवोल्यूशन से हो, तो कोई भी एग्जाम्पल जो है वो रिवर्सिबल का एग्जाम्पल नहीं है। तो देखते हैं इन वर्ड्स को अब हम आगे कैसे यूज़ कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, इस चैप्टर के अंदर तीन टर्म्स हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो है हीट, वर्क और एनर्जी। दो इनकी डेफिनेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब इनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन करके मैं इन टर्म्स को यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं हीट की। हीट को हम स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे बोला जाता है हीट ट्रांसफर। एक तो पॉइंट मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि आपको इस तरह से भी एक टर्म दिखाई दे, डी क्यू, क्यू या डी क्यू, इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। क्या लगता है ये, जैसे टी टेम्परेचर होता है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर होता है, तो क्या कहते हो डी क्यू क्या है, क्या चेंज इन हीट? जैसे क्यू हीट है, तो क्या डी क्यू चेंज इन हीट है? एक बार आप सोच के देखो, हीट में चेंज, या बड़ा अजीब सा नहीं लगता? हीट किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसमें कभी कोई चेंज नहीं हो सकता। हीट तो केवल क्या होती है, ट्रांसफर होती है। हाँ, हीट के कारण एनर्जी में चेंज हो सकता है, तो हीट में कभी भी चेंज नहीं हो सकता। तो फिर इस डी क्यू का क्या मतलब हुआ? ये डी क्यू का केवल यही मतलब है, स्मॉल हीट ट्रांसफर। इसको हम इस तरह से, यानी डी लिखा हुआ तो स्मॉल हीट ट्रांसफर, ऐसे आप इस सोच सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर मैं मोस्टली जो टर्म्स यूज़ करूँगा, मैं डी क्यू यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि डी क्यू यूज़ करने पर हमेशा ये कन्फ्यूजन होता है। तो स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, अगर थोड़ी हीट ट्रांसफ़र हो रही तो स्मॉल क्यू, ज़्यादा अमाउंट में हीट ट्रांसफ़र हो रही तो कैपिटल क्यू, ये नोटेशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। बट अगर कहीं पर भी आपको डी क्यू भी दिख जाए, तो कोई भी ये नहीं बोलोगे कि ये चेंज इन हीट है। हीट में कभी चेंज नहीं होता, इनफैक्ट चेंज इन वर्क, इसका भी कभी कोई सेंस नहीं बनता। हीट एंड वर्क के कारण एनर्जी में चेंज हो सकता है। तो ये याद रखना, ये टर्म्स अगर मिल जाए तो आप कभी देखने को मिले, तो इसका मतलब सही सही आपको पता होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, अब यहाँ पर क्या होता है, हीट ट्रांसफर। जैसा मैंने आपको बताया, सिस्टम और सराउंडिंग्स, ये दो पार्ट में हम यूनिवर्स को डिवाइड कर देते हैं। तो सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में जो एक्सचेंज हो सकता है, वो या तो एनर्जी का हो सकता है या मैटर का हो सकता है। और एनर्जी का एक्सचेंज भी दो फॉर्म में हो सकता है, हीट की फॉर्म में या वर्क की फॉर्म में। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, लेट्स से अगर मैं ये लिख देता हूँ कि हीट ट्रांसफर 30 किलो जूल। अब इसे ये तो समझ में आ रहा है कि 30 किलो जूल हीट ट्रांसफर हो रहा है, बट ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन दे रहा है और कौन।
तो ये डिफरेंस है। साइन कन्वेंशन तभी यूज पिक्चर में आएगा क्यू, क्योंकि क्यू से हमें ये नहीं पता चलता कि कौन हीट दे रहा है कौन ले रहा है। लेकिन अगर आप बोल ही रहे हो, लैंग्वेज यूज कर रहे हो कि हाँ हीट दे रहे हैं या हीट ले रहे हैं, तो उससे फिर आपको वहां पर साइन कन्वेंशन यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट ये साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए। नाउ अब यहां पर कोई भी सिस्टम सर, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑलवेज नेगेटिव होती है। एक्सोथर्मिक के लिए आप कह सकते हो हीट जो है वो नेगेटिव होती है, क्योंकि उसके अंदर सिस्टम हीट दे रहा है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्यू की वैल्यू नेगेटिव, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्यू की वैल्यू पॉजिटिव, करेक्ट है ये। अब यहां पर किसी भी सिस्टम को जब हम हीट देते हैं तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या उसका टेम्परेचर चेंज होगा, ये जरूरी है। करेक्ट, कुछ आंसर्स आए हैं मेरे पास। वेरी गुड, कोई जरूरी नहीं है। अगर आप किसी भी सिस्टम को हीट दे रहे हो तो उसका टेम्परेचर चेंज हो, ये जरूरी नहीं है। आइसोथर्मल प्रोसेस एक एग्जांपल आया था, फेस चेंज एक और एग्जांपल है जहां पर हम हीट देते हैं लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता। 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर आपके पास लिक्विड वाटर है, आप उसे हीट दोगे तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर में। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन अब हम यहां पर उन्हीं एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं जहां पर हम सब्सटेंस को हीट दे रहे हैं और हीट देने से उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और कोई चेंज नहीं हो रहा। सब्सटेंस वही है, सब्सटेंस की आइडेंटिटी में चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हम उन्हीं प्रोसेस की बात कर रहे हैं। राइट नाउ अब यहीं पर क्वेश्चन ये आता है कि अगर किसी भी सब्सटेंस को मैं हीट दे रहा हूँ और उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो क्वेश्चन ये आता है कि लेट्स से मुझे अगर 10 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर चेंज करना है तो मुझे कितनी हीट उसे देनी होगी, या इतनी हीट देने पर उसका टेम्परेचर कितना चेंज होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए एक टर्म हम डिफाइन करते हैं जिसे हम कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। आई थिंक डेफिनेशन आप सबको इसकी पता है, चलिए फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। मोलर हीट कैपेसिटी लिखे इसकी डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ वन मोल सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। हाँ, वैसे इस तरह की दो तीन टर्म्स और भी डिफाइन होती है मोलर हीट कैपेसिटी की तरह ही। सिंपली एक हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट के में क्या होता है, पर मोल की जगह पर ग्राम आ जाता है, कि 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर हमें बदलना है तो कितनी, 1 केल्विन से तो कितनी हीट देनी होगी। जबकि मोलर हीट कैपेसिटी में 1 मोल सब्सटेंस है, तो पर ग्राम या पर मोल का डिफरेंस है और कुछ नहीं। नाउ अब हम बात करेंगे मेनली मोलर हीट कैपेसिटी की। लेट्स से क्यू हीट देने पर 1 मोल सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है, 1 मोल सब्सटेंस है, क्यू हीट देने पर उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है डी टी से,
उल्टा करके लिख रहा हूँ, मतलब डी टी टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी, क्यू। तो वन केल्विन का चेंज करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी, क्यू बाई डी टी। वन मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर वन केल्विन से चेंज करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी, क्यू बाई डी टी। और यही हमारी क्या हो गई, मोलर हीट कैपेसिटी, जिसको अब यहाँ पर हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोलर हीट कैपेसिटी। तो क्यू बाई डी टी इक्वस टू सी, इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सी डी टी। फॉर एन मोल्स, अगर वन नहीं एन मोल्स है यहाँ पर, तो एन मोल्स के लिए क्यू इक्वस टू एन सी डी टी। और अगर आप लार्ज चेंज कर रहे हो तो इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा एन सी डी टी। एक फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर आ गया, मोलर, एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया जो कि हीट को किससे रिलेट कर रहा है, मोलर हीट कैपेसिटी से, क्यू इक्वल्स टू एन सी डी टी, जहाँ पर एन मोल्स है, सी मोलर हीट की कैपेसिटी और डी टी चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से हम हीट को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी हीट हमें देनी होगी। हाँ, यहीं पर मैं आपको बता दूँ, ये सी जो है मोलर हीट कैपेसिटी है, इसीलिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मोल से। आप इसी तरह के फॉर्मूले और भी लिखते हुए आते हो, और भी आप इसको यूज़ करते हो, मोलर हीट कैपेसिटी की जगह आप स्पेसिफिक हीट भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पर स्पेसिफिक हीट, जनरली उसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मास से इंटू डी टी। तो ये दोनों ही फॉर्मूले हैं, यहाँ पर ये जो एस है वो क्या है, स्पेसिफिक हीट, जिसकी यूनिट जो होती है जूल पर केल्विन पर ग्राम, और यहाँ पर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर केल्विन पर मोल। पर मोल है तो मोल से मल्टीप्लाई कर दो, पर ग्राम है तो मास से मल्टीप्लाई कर दो, और कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। मेन पॉइंट अभी जो है, आई थिंक ये इंटर कन्वर्जन आपको पता है, ये आप इजीली कर सकते हो। तो अब हम बात करेंगे फॉर्मूले की, क्यू इक्वल्स टू एन सी डी टी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो फॉर्मूला है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यहाँ पर हम केवल उन्हीं प्रोसेस की बात कर रहे हैं जहाँ पर हम हीट दे रहे हैं और सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग ही वही हुई है, क्यू हीट देने पर टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, डी टी से। तो हम उन्हीं प्रोसेस की बात कर रहे हैं, सब्सटेंस की आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है, ये फॉर्मूला केमिकल और फेस चेंज पर एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल फॉर केमिकल एंड फेस चेंज, क्योंकि सब्सटेंस की आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, कोई भी फॉर्मूला अब आप लिखोगे, ये बहुत ज़रूरी है कि वो कौन से चेंज के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ ये फॉर्मूला जो है केमिकल और फेस चेंज पर एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ, अगर किसी बाकी प्रोसेस में आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन कंडीशन वही है, टेम्परेचर चेंज होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर पाओगे, अदरवाइज आप इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं कर सकते। सोच सकते हो कहाँ नहीं लगेगा, कहाँ लगेगा, कंडीशंस मैंने आपको यहाँ पर लिख दिए। लेकिन अब कुछ पॉइंट्स है रिगार्डिंग मोलर हीट कैपेसिटी। हाँ, ये मैं बता दूँ, ये जो पॉइंट्स मोलर हीट कैपेसिटी के लिए लिख रहे हैं, उसी तरह से आप पॉइंट स्पेसिफिक हीट के लिए भी बना सकते हो, बट मेनली अभी जो हम डिस्कशन करेंगे वो मोलर हीट कैपेसिटी के लिए करेंगे। तो वन बाय वन करके मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ मोलर हीट कैपेसिटी से रिलेटेड। फर्स्ट पॉइंट, मोलर हीट कैपेसिटी, ये जो टर्म है, सपोज करो मैं आपसे कहता हूँ पानी है जिसका टेम्परेचर मुझे 20 डिग्री से 30 डिग्री करना है और 30 डिग्री से 40 डिग्री करना है, क्या लगता है हीट जो हमें देनी पड़ेगी वो सेम देनी पड़ेगी? लगता तो ऐसा ही है, लेकिन मैं आपको बता दूँ ऐसा नहीं है। ये जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है टेम्परेचर बदलने के साथ बदलती है। अगर ऑक्सीजन का मान लीजिए, तो चलो वाटर है, वाटर की जगह अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ, ऑक्सीजन का टेम्परेचर 300 केल्विन से 400 केल्विन ले जाना है और फिर 400 केल्विन से 500 केल्विन ले जाना है, तो आप ये जो मोल हीट जो देनी पड़ेगी वो सेम नहीं होगी, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने पर मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट, मोलर हीट कैपेसिटी of a substance depends on temperature,
डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। वैशाली का एक क्वेश्चन था कि क्या आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, तो आंसर इज नो। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। सेकेंड पॉइंट, टेम्परेचर के अलावा यानी सब्सटेंस टू सब्सटेंस तो ये वेरी कर ही रही है, ऑक्सीजन के लिए अलग होगी, नाइट्रोजन के लिए अलग होगी, H2O के लिए अलग होगी, SO2 के लिए अलग होगी, लेकिन इसके अलावा ये प्रोसेस पर भी डिपेंड करती है। तो सेकेंड पॉइंट, इट इज प्रोसेस डिपेंडेंट, या ब्रैकेट में लिख सकते हो पाथ डिपेंडेंट। कैसे? तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रोसेस कर रहे हो तो क्यू इक्वल्स टू जो हम लिखेंगे वो होगा NCVdT, और एट कांस्टेंट प्रेशर अगर हम बात करें तो क्यू इक्वल्स टू जो होगा होगा NCPdT। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर मैं आपसे कहूँ हाइड्रोजन की मोलर हीट कैपेसिटी बताओ तो आप नहीं बता सकते हो, क्योंकि हाइड्रोजन की मोलर हीट कैपेसिटी हाइड्रोजन की कंडीशन पे डिपेंड करेगी। कांस्टेंट वॉल्यूम है तो उसके लिए फिर CV का डेटा होगा, कांस्टेंट प्रेशर है तो CP का डेटा होगा, तो वो प्रोसेस पर डिपेंड करेगा। और ऐसा नहीं कि दो ही होती CV और CP, ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पर है, अगर और कोई कंडीशन है तो उसके लिए CV की वैल्यू अलग होती है। तो यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट और मैं बता देता हूँ, पहले मैंने आपको बताया था हीट एंड वर्क, ये दो ऐसी प्रॉपर्टीज, ये दो ऐसी टर्म्स मैंने आपको बताई जो कि पाथ डिपेंडेंट होती है। इसी के अलावा अगर आप ये मुझसे पूछोगे कि बताइए सर और कौन सी टर्म जो है वो पाथ डिपेंडेंट होती है, तो मैं कह सकता हूँ ये जो CV स्मॉलर हीट कैपेसिटी है ये भी पाथ डिपेंडेंट होती है, पाथ डिपेंडेंट टर्म्स होती है। तो याद रखना प्रोसेस के साथ ये वैल्यूज चेंज हो जाती है। थर्ड वन, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, सॉलिड्स एंड लिक्विड, ये जो CP की वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट CV के बराबर होती है, इसीलिए मोस्टली हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, C से। CP CV बराबर होते हैं फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड, लेकिन क्या गैसेस के लिए भी CP CV की वैल्यू बराबर होती है? नहीं, गैसेस के लिए CP CV की वैल्यू बराबर नहीं होती है। हाँ, यहाँ पर फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस अगर हम बात करें तो CP इक्वल्स टू CV प्लस R होता है, एक फॉर्मूला है, कहाँ से आया इसको भी हम आगे डिराइव करेंगे एक दो लेक्चर के बाद, अभी तो आप नोट कर लीजिए, बट याद रखना ये फॉर्मूला केवल किसके लिए एप्लीकेबल है, आइडियल गैसेस के लिए CP इक्वल्स टू CV प्लस R। रियल गैसेस के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, और सॉलिड और लिक्विड के लिए CP और CV की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल होती है, तो इसको हम जनरली किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, C से। तो ये तो जनरल कुछ पॉइंट्स हुए, कैरेक्टरिस्टिक्स हुए मोलर हीट कैपेसिटी के। नाउ यहाँ पर अब पॉइंट ये आता है कि क्या हमें किसी क्वेश्चन में अगर हीट फाइंड आउट करनी तो CV CP की वैल्यूज गिवन होगी। तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई सॉलिड है, लिक्विड है या रियल गैस है तो क्वेश्चन में आपको CP और CV की वैल्यूज गिवन होगी, लेकिन अगर एक आइडियल गैस है तो इसके लिए आपको क्वेश्चन में CV और CP की वैल्यूज गिवन नहीं होगी, क्योंकि ये वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। हाँ, लेकिन फिर से कहूँगा कि ये जो सारा डिस्कशन अब हो रहा है वो केवल किसके लिए हो रहा है, आइडियल गैसेस के लिए। आइडियल गैसेस के लिए आप CV और CP की वैल्यूज खुद फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर मोलर हीट कैपेसिटी एक हेडिंग आप डाल सकते हो, मोलर हीट कैपेसिटी फॉर आइडियल गैस। अब आपको यहां पर एक टेबल बनानी है, तो रजिस्टर का फुल पेज आप यूज करोगे, हॉरिजेंटली टेबल बनाओगे रजिस्टर, हॉरिजेंटली या ये कह दो लैंडस्केप फॉर्मेट में आपको टेबल बनानी है। सबसे कॉलम्स कौन क्या क्या होंगे वो देख लीजिए, फर्स्ट कॉलम
एटॉमिसिटी, सेकंड कॉलम ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सुना हुआ वर्ड है, फिजिक्स में आप पढ़ चुके हो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। कुछ हल्का सा मैं आपको इसको समझाऊंगा, लेकिन अभी डिटेल में तो नहीं जाएंगे। पहले टेबल बनानी है आपको, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। देन उसके बाद इसके अगेन दो पार्ट, ये सीवी की वैल्यू, एक्सक्लूडिंग वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और इंक्लूडिंग वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। उसी तरह से सीपी के लिए भी एक्सक्लूडिंग वाइब्रेशनल और इंक्लूडिंग वाइब्रेशनल। देन फिर से दो गामा, जिसे हम पॉइजन्स रेशियो भी बोलते हैं, सीपी अपॉन सीवी, एक्सक्लूडिंग वाइब्रेशनल इंक्लूडिंग वाइब्रेशनल। Excluding vibrational, including vibrational, excluding vibrational, including vibrational, excluding vibrational, including vibrational। तो हर एक में दो दो ऑप्शन है, कैसे यहाँ पर बनेंगे। तो ये टेबल आपको पहले यहाँ पर बनानी है, सानिध्य सिंह सी टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होता है उससे अभी हमें कोई मतलब नहीं है, बस इतना याद रखो कि वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। सीपी अपॉन सीवी एटॉमिसिटी नहीं होता, एटॉमिसिटी सिंपल सी एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स है। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2, H2O की एटॉमिसिटी 3, तो एटॉमिसिटी एटम्स की तो एक ही होगी। हीलियम, नियॉन, इनकी एटॉमिसिटी कितनी, 1। O2, N2, H2, इनकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 2। H2O, SO2, इनकी एटॉमिसिटी हो गई 3। अगर एक ही एटम है तो मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, ये टर्म्स हम यहां पर यूज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हल्का सा मैं आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होती है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ज्यादा डिटेल में अगर आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पढ़ना है तो फिजिक्स के अंदर आपको आई थिंक लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एक टॉपिक है फिजिक्स के अंदर, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, वहाँ से ये सब कुछ पढ़ना होगा। बट अभी हमें बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है, जितनी ज़रूरत है वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। बट फिर भी एक बार मैं आपको पहले यहाँ पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होती है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो लिख सकते हो आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिक्वायर्ड to define
द पोजिशन ऑफ एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल इन स्पेस. पोजिशन ऑफ द एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल इन स्पेस क्या मतलब हुआ वो मैं बता रहा हूं. ये एक एटम है, इसकी पोजीशन हमें बतानी होती तो हम तीन कोऑर्डिनेट यूज करते हैं, एक्स वाई और जेड. ये तीन कोऑर्डिनेट से हम इसकी पोजीशन बता सकते हैं, राइट. नाउ अब मान लीजिए ये एक एटम जो है वो मूव कर रहा है. तीन तरह का मूवमेंट हो सकता है, हम बात जो करते हैं ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल. लेकिन ये तो एक सिंगल एटम है, और अगर इस सिंगल एटम की बात मैं करूं तो एक इसका ट्रांसलेशनल मूवमेंट हो सकता है. अब ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है जिसके कारण इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो नई पोजीशन अगर मुझे बतानी तो मुझे ये पता होना चाहिए कि एक्स कोऑर्डिनेट में कितना चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट में कितना चेंज हो रहा है और जेड कोऑर्डिनेट में कितना चेंज हो रहा है. यानी कितने वेरिएबल्स मुझे पता होने चाहिए, तीन वेरिएबल. तो और ये तीनों वेरिएबल्स किसके लिए है, ट्रांसलेशनल मोशन के कारण इसकी पोजीशन में जो चेंज हो रहा है. इसीलिए यहाँ पर ट्रांसलेशनल मोशन के कारण इसकी नई पोजीशन को बताने के लिए हमें तीन वेरिएबल्स पता होने चाहिए. तो इसकी ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो कितनी हो जाती है, थ्री. ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो कितनी हो जाएगी, थ्री. क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन के कारण इसकी नई पोजीशन अगर मुझे बतानी है तो एक्स में, वाई में और जेड में तीनों में चेंज पता होना चाहिए. बात आती है इसके और भी मोशन हो सकते हैं, इसे रोटेशनल मोशन, यानी ये रोटेट कर रहा है. बट अगर ये रोटेट ही कर रहा है तो इसका कोई भी कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, इसकी पोजीशन तो वही रहेगी क्योंकि ये तो अपनी पोजीशन पर ही रोटेट कर रहा है, तो इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा. तो इसकी रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो कितनी हो जाएगी, जीरो. वाइब्रेशनल की मैं बाद में बात करूंगा, पहले मैं आपको ट्रांसलेशनल और रोटेशनल समझा रहा हूं. तो हाँ, रोटेशनल मोशन के कारण इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा, किसी भी वेरिएबल की हमें जरूरत नहीं है. अब हम बात करते हैं एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की. डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है ये, और अगर इसका केवल ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, केवल ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, तो ये मॉलिक्यूल यहां से उठ के कहीं और चला जाता है. कहीं अगर और चला गया तो क्या होगा, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में चेंज होगा. लेकिन जितना एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में इसके लिए चेंज होगा उतना ही इस एटम के लिए भी होगा. मतलब आपको अभी भी केवल तीन पैरामीटर्स ही जानने की जरूरत है, क्योंकि जो डेल्टा एक्स इसके लिए होगा वही डेल्टा एक्स इसके लिए भी होगा, जो डेल्टा वाई इसके लिए होगा वही इसके लिए होगा, जो डेल्टा जेड इसके लिए होगा वही इसके लिए भी होगा. तो यहाँ पर भी ये जो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है इसकी, इसके जितने भी एटम्स है उसकी नई पोजिशन बताने के लिए भी आपको तीन ही पैरामीटर्स जानने होंगे. तो इसकी भी ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, थ्री. इनफैक्ट कह सकते हो चाहे वो डायएटॉमिक हो या ट्राईएटॉमिक हो चाहे टेट्राएटॉमिक हो, अगर केवल ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है तो जितने भी एटम्स हैं उन सब के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में जो चेंज होगा वो सेम होगा. जितने भी एटम्स हो, चाहे एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 एटम हो या 20 एटम हो, सबके एक्स वाई जेड पोजिशन में, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में जो चेंज होगा वो सेम होगा. तो हमेशा ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो होगी वो थ्री ही होगी, चाहे मोनो एटॉमिक हो, डायएटॉमिक हो, ट्राईएटॉमिक हो. ठीक है, अब ट्रांसलेशन के अलावा और कुछ हो रहा हूं, ट्रांसलेशनल डायएटॉमिक की मैं बात कर रहा हूं. अब इसको आपको समझना है, यहां पर चलिए एक पेन में ले रहा हूं, दिख रहा है, ये एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है. इसके इस एंड पर भी एक एटम है और इसके इस एंड पर भी एक एटम है. ठीक है, और अब हमें ये देखना है कि रोटेशनल मूवमेंट के कारण इसकी पोजीशन में चेंज कैसे होता है. तो फिर से तीन एक्सिस इमेजिन करो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. ये एक्स एक्सिस में मान लेता हूँ जो पेन के थ्रू पास हो रही है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड. लेकिन अगर
अब ये हम रोटेट कर रहे हैं इसको, तो एक्स एक्सिस पर अगर ये रोटेशन हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग ये रोटेशन हो रहा है, तो एटम्स की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब वाई एक्सिस के अलोंग हम देखते हैं, तो वाई एक्सिस के अलोंग यानी इसके परपेंडिकुलर प्लेन पर रोटेशन हो सकता है, जिसके कारण एटम्स की पोजीशन चेंज होगी। अगर हमें एंगल पता चल जाए 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री, तो हम नई पोजीशंस बता सकते हैं कि इन एटम्स की नई पोजीशन क्या होगी, वो हम बता सकते हैं। तो हमें एंगल पता होना चाहिए अगर वाई एक्सिस के परपेंडिकुलरली ये रोटेट कर रहा है, और उसी तरह से और किसके परपेंडिकुलर ये रोटेट कर सकता है, जेड, ये जेड एक्सिस है, ऐसे भी रोटेट कर सकता है हॉरिजेंटल प्लेन पर, राइट, उसके लिए भी एक एंगल पता होना चाहिए। तो y एक्सिस के परपेंडिकुलर और z एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर ये रोटेट कर रहा है, तो ये दो एंगल हमें पता होने चाहिए। हमने x एक्सिस y एक्सिस z तीनों के लिए देखा, लेकिन x एक्सिस के अलोंग वो रोटेट कर रहा है, तो पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा होगा। तो हमें कितने वेरिएबल्स पता होने चाहिए, दो एंगल कह सकते हो। तो यहाँ पर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए कितने हो जाएंगे, दो। डाय एटॉमिक मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो वो दो होंगे, रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ट्राई के अंदर अब हम आते हैं, ट्राई एटॉमिक के केस में क्या होगा वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो ट्राई एटॉमिक ऑनवर्ड्स दो केसेस बनते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर, लीनियर और नॉन लीनियर। अगर एक लीनियर एटम ही है, ट्राइएटॉमिक है, लीनियर एटम ही है कह सकते हो, तब तो कोई भी चेंज नहीं होगा। ये एक्स एक्सिस, इसके अलोंग रोटेशन होने पर कोई चेंज नहीं होगा, वाई एक्सिस के अलोंग रोटेशन होने पर चेंज होगा, जेड एक्सिस के अलोंग रोटेशन होने पर भी चेंज होगा, ठीक है। तो फिर से अगर लीनियर है, तो लीनियर के केस में तो फिर से टू ही होगी, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन नॉन लीनियर है तो क्या होगा, अब नॉन लीनियर के केस में जैसे H2O का एग्जांपल भी आप ले सकते हो, ये H2O मॉलिक्यूल है नॉन लीनियर। अब अगर हम इसकी बात करें, फिर से वही x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, लेकिन इस बार अगर x एक्सिस के अगेंस्ट यानी अराउंड भी ये रोटेट करता है, तो पोजीशन तो चेंज होगी। y एक्सिस के अराउंड भी करता है तब भी चेंज होगी, z एक्सिस के अराउंड भी होगी। आप खुद थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो में इतना क्लियरली आपको नहीं दिखेगा, ये जेड एक्सिस के अलोंग यानी किसी भी एक्सिस के अलोंग अगर अब ये रोटेट करता है, तो पोजीशन तो चेंज होगी। बट हाँ, किसी भी एक्सिस के अलोंग अगर ये रोटेट कर रहा है, तो तीनों एक्सिस है, तो तीन एंगल्स आपको पता होने चाहिए। तो अगर नॉन लीनियर है तो ट्रांसलेशनल तो वही 3 है, रोटेशनल यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 3। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, लीनियर है तो 2, नॉन लीनियर है तो 3। अब वो चाहे ट्राइएटॉमिक हो, टेट्राएटॉमिक हो, 5 एटम्स हो, पेंटाएटॉमिक हो, ये हमेशा वही रहेगी, तो 2 3 2 3 ही चलेगा, लीनियर 2 नॉन लीनियर 3। तो ये मैंने आपको समझाया है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, हाँ ट्रांसलेशनल और रोटेशनल किस तरह से ये निकल के आती है वो मैंने आपको समझाया। बट क्वेश्चन आता है, सर वाइब्रेशनल कैसे पता करेंगे? वाइब्रेशनल के लिए इस तरह से समझना थोड़ा मुश्किल है, तो अभी हम उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं। वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे निकालनी है, इसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं। तो इसको ऐसे याद रखिए, जो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है, टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम वो होती है 3n, जहां पर n क्या हो गई, एटॉमिसिटी, n इज एटॉमिसिटी। इसका मतलब ये हो गया कि एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 3, डायटॉमिक की कितनी होगी, 6, ट्राइएटॉमिक की कितनी होगी, 9, टेट्राएटॉमिक की कितनी होगी, 12। इस तरह से आप टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट कर सकते हो। अब टोटल में से ट्रांसलेशनल रोटेशनल हमें पता है, तो हम रिमेनिंग फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वाइब्रेशनल फाइंड आउट की जा सकती है। तो मोनो एटॉमिक के केस में तो कोई वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नहीं है। इसको मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ कि वाइब्रेट करने के लिए मिनिमम 2 एटम्स चाहिए, जैसे एक स्प्रिंग के दोनों तरफ अगर 2 एटम्स लगे हुए हैं तो ही वो वाइब्रेट कर सकता है।
श्रिंक होगी देन स्ट्रेच करेगी, श्रिंक होगी देन स्ट्रेच करेगी। एक अकेला एटम अगर आपने किसी स्प्रिंग पे लगा दिया तो वो वाइब्रेट नहीं कर सकता है, तो वाइब्रेशन के लिए मिनिमम दो एटम्स तो होने चाहिए। इसीलिए मोनो एटॉमिक के केस में कोई वाइब्रेशनल मूवमेंट हो ही नहीं सकता। हाँ, डाई एटॉमिक के केस में हो सकता है। टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होनी चाहिए? 6, 3, 2 ऑलरेडी है, यहाँ पर 5 हो गई, टोटल होनी चाहिए 6, तो वाइब्रेशनल कितनी हो जाएगी? 1। ट्राई एटॉमिक के लिए टोटल कितनी होनी चाहिए? 9, तो 3 प्लस 2 5 प्लस 4 3 प्लस 3 और यहाँ पर ही हो जाएगी 3। ये लॉजिक आगे से आगे कंटिन्यू कर सकते हो। अभी आपको इस पे नहीं सोचना है कि 4 कैसे होगी 3 कैसे होगी, अभी उस पे दिमाग नहीं लगाना है। तो यहाँ पर ये टेबल जो है, टेबल आपको याद होनी चाहिए, टेबल आपको याद होनी चाहिए। फिर से मैं एक तरीका बता देता हूँ टेबल याद करने का, बड़ा सिंपल है। ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो कुछ सोचना ही नहीं है, चाहे कोई सा भी एटम हो या मॉलिक्यूल हो, हमेशा ही 3 होगी, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं हो रहा। रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की अगर हम बात करें, रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक के लिए 0, मोनो एटॉमिक ऑनवर्ड्स अगर लीनियर है तो 2, नॉन लीनियर है तो 3, लीनियर 2, नॉन लीनियर 3। अब टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको पता है, ट्रांसलेशनल पता है, रोटेशनल पता है, तो इसका डिफरेंस से आप वाइब्रेशनल फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये तो बात हुई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मैंने आपको बताया कि कैसे हम निकाल सकते हैं वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, सॉरी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, और टोटल कितनी होती है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। बट इसका यूज़ क्या है, अब उस पर हम आ रहे हैं कि ये जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उसको हम CVCP निकालने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो अब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो अगेन ये सब कुछ जो है थ्योरी जो है वो कहाँ से आई है? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से। यहाँ पर हम उनके रिजल्ट्स यूज़ कर रहे हैं, हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो एक फॉर्मूला है, अगर आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पता है तो यहाँ से अब हम CVCP की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो CV का जो फॉर्मूला होता है, ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम प्लस, यहां पर अब एक और पॉइंट आता है, 2 टाइम्स वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर। ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम प्लस 2 टाइम्स वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिवाइड बाय 2 इंटू आर। यहाँ पर अगेन बहुत बार ये डाउट आता, सर इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? तो फिर से यही कहूँगा, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो है ये सब आपको लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी वहाँ मिलेंगे। तो आपको अभी हम उसके डिटेल में बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो इस चैप्टर में कुछ और है, ये वाला पार्ट अभी हमारा नहीं है। तो ये जस्ट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ट्रांसलेशनल रोटेशनल प्लस 2 टाइम्स वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिवाइड बाई 2 इंटू आर। लेकिन इसमें भी मैं आपको बता दूँ, अगेन ये जो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है ये हम कहते हैं कि बहुत हाई टेम्परेचर अगर है तभी हमें इन्हें कंसिडर करना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर इन 400, 500, 600, 700 केल्विन, इस पर हमें इनको कंसिडर नहीं करना चाहिए। यस, कह सकते हो यहाँ पर अभी राइट टर्म में बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट बोल रहा हूँ जिनको मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। यस, बिल्कुल सही है, मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये एज अ फैक्ट आपको याद रखने हैं, कोई एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, आपको एज अ फैक्ट इनको याद रखना है। और एक और फैक्ट यहाँ पर ये दे रहा हूँ कि ये जो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है ये नॉर्मली हम कंसिडर नहीं करते हैं, इनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। इनफैक्ट एक और फैक्ट मैं बता दूँ, बहुत कम टेम्परेचर अगर है, यानी 50 केल्विन, 75 केल्विन, 100 केल्विन पर केवल ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ही कंसिडर होती है, रोटेशनल और वाइब्रेशनल दोनों नेग्लेक्ट हो जाती है। जबकि नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर हम बात करें 200, 300 केल्विन, 400 केल्विन, तो ट्रांसलेशनल रोटेशनल दोनों काउंट होती है, वाइब्रेशनल बहुत हाई टेम्परेचर पर काउंट होती है। फिर से क्वेश्चन आता, सर हाई कितना हाई होना चाहिए? तो वो भी गैसेस टू गैसेस डिपेंड करता है, कोई फिक्स नहीं है। तो फिर हमें डाउट होता है कि हमें क्या करना है, तो यहाँ पर बड़ा सिंपल सा है, जब तक क्वेश्चन में नहीं गिवन हो कि वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कंसिडर करना है,
लिखा होना चाहिए कि कंसिडर वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। हम वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम केवल किसको कंसिडर करते हैं, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल को ही कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ, इफ नथिंग इज मैंशन अबाउट नथिंग इज मैंशन अबाउट वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, If nothing is mentioned about vibrational degrees of freedom, comma, do not consider it for calculation of CV. Calculation of CV. तो इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो अगर वाइब्रेशनल को कंसिडर नहीं किया गया है तो यहाँ पर ये सी वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन ट्रांसलेशनल प्लस एन रोटेशनल बाय टू इंटू आर। किसी ने क्वेश्चन पूछा आर क्या है, केमिस्ट्री के अंदर ये आर बहुत जगह यूज़ होता है और मुझे शायद इसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि इस आर का क्या मतलब है, क्योंकि जब हम पहला लेक्चर पढ़ते हैं इलेवंथ में, पहला या दूसरा लेक्चर, वहीं से ये टर्म स्टार्ट हो जाती है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी से, और यानी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, और इसी को फिजिक्स में आप कैसे लिख देते हो, एफ बाई टू आर, जहाँ पर एफ को आप क्या बोलते हो, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एफ को हम बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो फिजिक्स में भी फॉर्मूला यही है, लिखने का तरीका अलग है। हाँ, वहाँ पर फिजिक्स में मैं आपको बता दूँ, वहाँ पर भी आप वाइब्रेशनल कभी भी काउंट नहीं करते हो, इसीलिए फिजिक्स में जब भी बात आती है डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आता है, एफ बाई टू आर, यही फॉर्मूला बोलते हैं। एन और एफ क्या है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, तो सेम फॉर्मूला है, कुछ भी अलग नहीं है। लेकिन याद रखना, अगर वाइब्रेशनल कंसिडर कर रहे हो, क्वेश्चन में गिवन है कि कंसिडर वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो हमेशा उसका टू टाइम्स आपको करना होगा। तो यहाँ से अगर हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, सी वी का फॉर्मूला है, तो हम यहाँ से सी वी फाइंड आउट कर सकते हैं, और आइडियल गैस है तो सी वी से हम क्या निकाल सकते हैं, सी पी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम इस टेबल में को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे पहले मैं एक्सक्लूडिंग वाइब्रेशनल की यहाँ पर बात करूँ, एक्सक्लूडिंग वाइब्रेशनल की मैं बात कर रहा हूँ, और तो यहाँ पर टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 + 0 + 0, तो यानी 3/2 आर। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए सी वी की वैल्यू 3/2 आर, डायएटॉमिक के लिए 3+2, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल 5/2 आर, वाइब्रेशनल को हमने कंसिडर नहीं किया है। इवन ट्राईएटॉमिक लीनियर के लिए भी 5/2 आर, हाँ यहाँ पर चेंज हो जाएगा, 3+3 6 आर/2, कितना हो जाएगा 3 आर। जबकि यही अगर हम वाइब्रेशनल को इंक्लूड करते हैं, यहाँ पर तो कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नहीं है, लेकिन यहाँ पर चेंज होगा, कितना होगा, 3+2 + 1/2 आर, नहीं 3+2 + 2 यानी 7/2 आर, यहाँ पर अच्छी खासी वैल्यू हो जाएगी, 3+2 5 + 8 13/2 आर, यहाँ पर 3+3 6+6, इन सबको टू टाइम्स कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो 12/2 सी वी की वैल्यू पता चल गई, उससे हम सी पी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सी पी की वैल्यू के लिए सी पी इक्वल्स टू सी वी प्लस आर, फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाया था, तो ये 5/2 आर, ये 7/2 आर, 7/2 आर, यहाँ पर 4 आर, ये भी आप लिख सकते हो उसी तरह से, प्लस आर करना है सब में, तो 5/2 आर, 9/2 आर, 15/2 आर, 7 आर, और फिर इससे हम गामा फाइंड आउट कर सकते हैं। गामा की वैल्यू सी पी अपॉन सी वी 5/3, 7/5, 7/5,
फोर बाय थ्री। इसके लिए आप लिख सकते हो टेबल, याद करना बहुत आसान है। और मैं एक पॉइंट आपको क्लियर कर दूं, आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये सब एक प्रेडिक्शंस हैं, एक इमेजिनेशन है जिसके थ्रू हम सीवीसीपी फाइंड आउट करते हैं, एक थॉट है। तो जब आप लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन भी पढ़ोगे तो वहाँ पर ही किसी का थॉट है कि हमें इस तरह से सोचना चाहिए और इस थॉट से हम सीवी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये पूरा एक थॉट प्रोसेस है कि हाँ इस तरह से आपको सोचना चाहिए और एट दी एंड उससे के रिजल्ट्स जो है वो ये टेबल है, तो वो टेबल तो हमें याद करनी होगी। अगर आपको समझ में भी आ जाता है तो भी आपको ये टेबल तो याद करनी होगी। तो राइट नाउ क्योंकि हमारा मेन फोकस ये नहीं है इसीलिए हम उसके उस पार्ट पे नहीं जा रहे हैं। दो मैंने आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थोड़ा बहुत समझा दिया है बट ज़्यादा डिटेल में नहीं गए, ये फॉर्मूले पर भी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं गए। तो आपको ये सारे फॉर्मूले याद रखने, टेबल आपको पता होनी चाहिए। फिर से एक पॉइंट मैं क्लियर कर दूं, ये सारा जो डिस्कशन है वो किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। लेकिन यहां पर भी मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं, जो पहला पॉइंट मैंने लिखवाया था मोलर हीट कैपेसिटी के लिए, वो कहा था कि डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो यहां पर कंफ्यूजन होता है, सर इन सब की तो वैल्यू आपने कॉन्स्टेंट लिख दी तो इसका क्या मतलब हुआ? तो मैं आपको बता दूं ये सब वैल्यूज एग्जैक्टली सही नहीं है, ये भी नियर बाय वैल्यूज है। इवन एक आइडियल गैस के लिए भी सीवी की वैल्यू जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, तो टेम्परेचर चेंज होने पर उसकी वैल्यू भी चेंज होती है। तो इन सब में हमने इनको कांस्टेंट माना हुआ है जो कि एक अजम्पशन है जिसके थ्रू ये वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको सीवी या सीपी का डेटा गिवन है, टेम्परेचर के साथ वो वेरी कर रहा है, तो जो डेटा गिवन है उसी को हमें यूज़ करना होगा। अगर वो कांस्टेंट है, वो गिवन है, वो यूज़ करना होगा। हाँ, ये टेबल तभी यूज़ होगी जब क्वेश्चन में आपको आइडियल गैस के लिए सीपी और सीवी की वैल्यूज़ गिवन ना हो। तो एक बार आप ये ट्राइएटॉमिक तक लिखोगे, इसके आगे टेट्रा एटॉमिक के लिए भी दो केसेस बनाओगे, लीनियर और नॉन लीनियर, उनके लिए भी ये लिखोगे क्या होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। फॉर टेट्रा एटॉमिक भी आपको ये लिखना है, उसके साथ साथ उसके अलावा आपको कुछ मॉलिक्यूल के लिए जैसे नियोन, H2O2, CO2 और H2, इन सब के लिए सीवी की वैल्यू क्या होगी, सीपी की वैल्यू क्या होगी और गामा की वैल्यू क्या होगी, वो भी आपको बतानी। ठीक है, नियोन, H2O2, CO2 और H2O, इनके लिए सीवी, सीपी और गामा की वैल्यू क्या होगी इस टेबल के थ्रू, वो आपको बतानी है। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। इसके आगे फिर चलिए हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।